हेलो फ्रेंड्स, जो झारखंड में झारखंड सीजीएल फॉर्म के लिए जिसमें खोटा का सिलेबस में जो बढ़ोतरी की गई है और उसमें हो रही असमंजस में बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही है कि यह सिलेबस यही रहेगा या फिर से बदलाव किया जाएगा। पहले दूसरी बार जो JSSC बोर्ड ने अपडेट की थी उस आधार पे, तो हम आपको बता दें कि इस असमंजस में बहुत सारे छात्रों को इस बात का इंतज़ार है कि सिलेबस कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो JSSC बोर्ड ने साफ तौर पर इस एग्ज़ाम को 3 अप्रैल को निर्धारित कर दिया है या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक को कभी भी ले सकती है। और JSSC के विभागीय कोऑर्डिनेटर ने साफ तौर पर बोल दिया है कि खोरठा और नागपुरी के छात्रों का हंगामा की वजह से सिलेबस में कमी अब दूसरी बार नहीं की जाएगी। इस वजह से जो नया अपडेट सिलेबस का खास तौर पे खोरठा का जो आया है उसी आधार को लेकर अपनी तैयारी करें। और खोरठा का सिलेबस इतना बड़ा ही है कि इससे ज़्यादा अंदर तक का क्वेश्चन नहीं पूछेगी। इस वजह से अब सभी छात्रों को सभी सिलेबस के जितने भी पैटर्न दिए हुए हैं उसी के आधार पर अपना तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन रहा भी नहीं। और अगर कोई किसी भी तरह से कोई भी अपडेट खोरठा के लिए अगर आता है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और जनजातीय विभाग ने खोरठा के सिलेबस को लेकर JSSC बोर्ड को एक पत्र लिखा है, लेकिन JSSC बोर्ड के विभागीय कोऑर्डिनेटर ने साफ तौर पर बोल दिया है कि सिलेबस में अब कमी नहीं किया जाएगा या फिर सिलेबस में किसी भी तरह का अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का नया कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सबसे पहले आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।